24 घंटे हो गए और मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, सिर्फ पिया है गरम पानी, गुनगुना पानी, ठंडा पानी, सब किस्म का पानी पिया है। पानी पानी रे, खारे पानी रे। Shut up! खाने के बारे में सोच भी मत। सोच कि तू शबाना आजमी है और शाम बेनिगल की फिल्म अकाल के लिए बॉडी बना रही है। मैं शबाना आजमी नहीं हूँ। सोच ले कि तू माधुरी दीक्षित है और अपनी फिगर मेंटेन करने के लिए डाइटिंग कर रही है। हाँ, लोग फिगर बनाने के लिए तो महीनों तक डाइटिंग करते हैं। ऊंट की तरह। मैं ऊंट की तरह नहीं दिखना चाहती इवा। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। औरतों की इज्जत का सवाल है। यस, नो, डॉली नहीं वेट हो सकता। और प्लीज मैं जा रही हूँ कॉलेज। नहीं, नहीं, नहीं। थोड़ी देर और इंतजार कर ले, थोड़ी सी देर। मैं बहुत देर तक लड़कियों के बगैर नहीं रह सकता। वैसे भी उसको 24 घंटे हो गए हैं, वो किसी लड़की के साथ बाहर नहीं गया। उसका दिमाग अभी तक तो खराब ही हो चुका होगा। देख निकी, तूने मुझसे कहा था ना, इसलिए मैंने उस एयर होस्टेस पूजा को फोन करके यहाँ बुला लिया है। उसके आते हमें तो वैसे ही हार जाएगा। प्लीज प्लीज। ओह गॉड। अमिता, पता है डॉली, पता है डॉली, लास्ट टाइम ना मैंने 6 महीने तक कुछ नहीं खाया था। और रियली, तो फिर इस जूसी चिकन टंगड़ी कबाब में तो तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा, और इस पर अगर नींबू डालेंगे तो और भी मजा आएगा। कुणाल, this is not fair. All is fair in love and war. इवा, इसे कहो ये चिकन की टंगड़ी अब भी यहाँ से लेके जाए। क्यों? लेकिन क्यों? एक मुर्दे मुर्गे की टांग से तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? आखिर मुर्गे की ही टांग तो है। Of course, जूसी जूसी टांग, प्यारी प्यारी टांग, लंबी लंबी टांग। टांग? पूजा टांग। ये पूजा की टांग नहीं, चिकन की टांग है। मैं इसे डिसअपीयर कर देता हूँ। घंटी बज गई। कबाब वाला आया होगा। कबाब वाला। कबाब वाला। तुम्हारी पहचान का है क्या? स्टूपिड कबाब है। अरे तो कबाब वाला है तो कबाब ही लाएगा ना। गर्मा गर्म कबाब। पूजा, इस वक्त तू जरा दूर हो जा। क्या हुआ? मैं समझी तुम लास्ट टाइम की तरह प्लेन प्लेन खेलना चाहते हो। नहीं नहीं नहीं, अरे तू समझती क्यों नहीं? मेरी बात सुन, देख तू मेरी बात सुन, मुझे समझने की कोशिश कर। देख पूजा, इस स्टैचू निकी, अमित अब शर्त हारने वाला है। पूजा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ मतलब? निकी ने ही तो मुझे फोन किया था, उसने कहा तुम मुझे मिस कर रहे हो। मैं तुम्हें बहुत मिस कर। क्या? निकी ने? तुम उसे मिस कर रहे हो ना? है ना, है ना, है ना? हाँ, एक्चुअली मैं इसे बहुत मिस कर रहा हूँ, और अब इसे अपने बाहों में समेट के मैं अपनी हार मानने वाला हूँ। क्यों नहीं? अमित, मर्दों की इज्जत धूल में गिर जाएगी। अरे गिर जाने दे। मर्द के माथे पर कलंक का टीका लग जाएगा। टीके की बात मत कर यार। अरे लग जाने दे यार। अमित, एपिसोड देखने वाला हर मर्द तुझे जूते से मारेगा। शूटिंग के बाद तू घर भी नहीं जा पाएगा। ऐसा क्या? पूजा, आई थिंक इज अ पॉइंट। कितना इंतजार करना पड़ेगा? बस 2-3 सीन की और बात है, एपिसोड के खत्म होते ही मैं तुम्हें अपनी बाहों के आगोश में ले लूंगा। अमित, तुम मुझे टीज कर रहे हो? अरे नहीं, मैं तुझे कहाँ टीज कर रहा हूँ। देख मेरी बात सुन, ये देख यहाँ पे बहुत पब्लिक है, बहुत भीड़ है, सब हम लोग को देख रहे हैं, देखना। ओके, मैं तुम्हारा वहां इंतजार करूंगी। पता है ना कहाँ? ऑफ कोर्स पता है, होटल हैप्पी लैंडिंग में। तुम भूले नहीं? मैं कैसे भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा वहां इंतजार करूंगी। ओके ओके, बाय। ये लो। लगता है दोनों सो रही है। चलो अमित कपूर, पूजा, आई एम कमिंग। पूजा, आई एम कमिंग टू यू, आई एम कमिंग टू। हाय हाय, कहाँ जा रहे थे? मैं कहीं नहीं जा रहा था। वो क्या ना कि अंदर मेरा दम घुट रहा था, तो मैं सोचा कि थोड़ा हवा खा लूं। इतने अच्छे कपड़े पहनकर? हाँ, वो क्या ना इवा के
अच्छी हवा खाने के लिए अच्छा कपड़ा पहनना बहुत जरूरी होता है। अच्छा हाँ। तो फिर खा रहा हवा। बढ़िया है बढ़िया है, अब मैं आराम से सो पाऊंगा। चल चलो आ जाओ सो जाओ। नहीं, 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 शायद तुम्हारा दम अंदर।